अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपको चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी बताती हूँ। ये तकरीबन मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसको मैंने साफ़ करके अच्छी तरह विनीगर 1 कप विनीगर लिया है और 2 चम्मच नमक के लेके उसमें इसको मैंने डिप कर दिया अच्छी तरह से ताकि इसका ब्लड निकल जाए और ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ये मैंने 1/2 टीस्पून ज़रदा रंग लिया है और इसके अंदर मैंने पानी डाला है तकरीबन 8 चम्मच और अब इसको मैं रंग को तमाम जो चिकन की बोटियां ना इसके ऊपर लगा दूंगी ऐसे करके। इससे ज़रा चिकन का कलर जो है ना वो अच्छा आ जाता है। मैं सारे चिकन को तैयार करके कलर के साथ तो फिर मैं आपको चिकन दिखाती हूँ किस कलर का होगा। इनको मैंने कलर अच्छी तरह लगा दिया और इसको मैं करूँगी एक साइड पे। स्टीम रोस्ट के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने लिया गर्म मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है चाट मसाला और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और सूखा धनिया मैंने लिया है 1 टीस्पून। मैं इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मैं चिकन को पहले नमक लगा कर रखा था, उसके बाद चाट मसाले में और चिकन टिक्का मसाले में नमक बहुत ज़्यादा होता है तो उससे नमक ज़्यादा हो जाता है और वो खाया नहीं जाता। 4 चम्मच दही में मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं और अब इनको मैं सारे चिकन को ये मसाला अच्छी तरह लगा लूँगी। सारे चिकन को मसाला लगाने के बाद मैं आपके साथ मिलती हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरह मसाला लगा दिया, अब इसको मैं 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद फिर इसको मैं स्टीम करूँगी। चिकन को फ्रिज में रखे हुए 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले पैन रखूँगी और पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल लेके और इसको ऐसे ब्रश के साथ लगा दूँगी। ऑयल लगाने के बाद नीचे मैंने फ्लेम को लो कर दिया और अब ये मैं चिकन के पीसेस इस तरह से इसके अंदर रख दूँगी। जो बाकी पानी या मसाला बीच में रह गया उसको भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ऐसे करके और अब मैं इसको स्टीमर कर लूँगी। मैं कवर कर लूँगी फॉइल पेपर के साथ अच्छी तरह ताकि किसी भी जगह से स्टीम जो है वो बाहर ना आए। आप देखें कि ये स्टीम ये पानी उबल रहा है इसका या मसाला इसका जो है ना वो बॉयल हो रहा है। अब इसके ऊपर मैं ऐसे ढक्कन लगाऊँगी और फ्लेम को मैं अब लो कर दूंगी, यानी अगर आपका 6 तक है तो आप उसको 3 तक ले जाएं। इसको मैं 20 मिनट तक स्टीम होने दूंगी और 20 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। अब इसको 20 मिनट हो चुके हैं, मैं इनकी साइडें चेंज करूंगी। आप देखें दही ने पानी छोड़ दिया हुआ है, इसी दही में इसने स्टीम होना है। ये देखें इसका कलर, इसकी रंगत चेंज हो चुकी है और ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। तकरीबन ये 20 मिनट और करूँगी तो ये तैयार हो जाएगा। अगर आपने इसको जल्दी बनाना है तो आप इसको 20 मिनट में भी रेडी कर सकते हैं, आपको जो इसका फ्लेम है ना वो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसकी साइड चेंज कर दी है और इसको मैं फिर 15-20 मिनट तक रखूँगी क्योंकि फिर ये तैयार हो जाएगा। 10 मिनट मैंने इसको किया क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था, तो अब देखें ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। ये मेरे रोस्ट की फाइनल लुक है। आप इसको ईद पे भी बना सकते हैं, दावत पे भी बना सकते हैं, दोस्त अहबाब जब मिलके बैठे तब बड़े मज़े से इसको बनाकर खा सकते हैं। मैंने टेस्ट किया है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बना है, लेकिन मसाले इसमें मैंने अपने हिसाब से डाले हैं क्योंकि मेरे घर वाले सब तेज़ मसाला खाते हैं। आप अपने हिसाब से डालिएगा, मसाले की मकदार जो कम कर लीजिएगा और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर घर में ट्राई करें और मेरे अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।